नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया। आज मेरे साथ रिजवान रजा जी मौजूद हैं। ये समाज सेवी हैं, ये हर एक प्रोग्राम को बड़े ही अच्छे उपलक्ष्य के साथ ही करते हैं। मैं आज इनसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ट्रांस क्वीन जो यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये थर्ड सीज़न है और मैं फर्स्ट में मेरी रीना से मुलाकात हुई थी, रीना रॉय इज़ मेरी छोटी बहन है। और जब हमें पता चला कि ये जो आपका किन्नर या हिजड़े या जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, इनके बारे में यही है कि ये ताली बजा के बधाई मांगते हैं या भीड़ में सिग्नल्स पे मांगते हैं, तो एक बड़ा पहलू ये है कि ये उस समाज के लोग हैं जिनको माँ बाप से लेके समाज ने बहुत ठुकराया है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो इस ऑर्गेनाइजेशन जो दीपा हमारी जो है, क्या कहते हैं, दीप अर्धनारेश्वर फाउंडेशन जो है, जो उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसमें मुझे शरीक किया उसने एज ए पैटर्न, एज ए संरक्षक। और ये एक सोशल कॉज है, ह्यूमन बीइंग के हर जेंडर को जीने का हक है, वो कैसे जिए उसको भी एक सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ बात सम्मान की है। सर, एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप देखते होंगे कि बाहर रोड पे किन्नर्स रहते हैं, मैं उन समाज के लिए और उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगी कि उनको गलत वर्ड से साथ क्यों बोला जाता है कि आप ऐसे कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, क्यों बोल रहा है, अगर आपके परिवार में भी अगर कोई आ जाए तो हम उसको भी उपनामों से और उनसे बताते हैं। ये एक आदमी की एक, वो कहते नहीं, आदत होती है कि किसी को देख के और उन पर तंज करना। मगर जो समाज का एक बड़ा दुखी हिस्सा है, उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं अभी साहिबा चड्ढा जी, इन्हें पूरी काउंसलिंग करती हैं ये, और ये आई थी, आप इनसे पूछिए कि इस कम्युनिटी के बारे में इनकी क्या राय है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, ये एक अब आंदोलन के और लोगों के लिए शेल्टर हाउस हैं, ये सब चीज़ें हैं, मगर इस समाज के ठुकराए लोगों के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं। हेलो मैम, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो कार्यक्रम किया गया, आपको कैसा लगा? जी, बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी के लिए हुआ है। ब्यूटी पेजेंट्स बहुत होते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो हर दिन आए दिन 10 दिन यू नो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, बट इनके लिए बहुत ही स्पेशल है। थैंक्स टू रीना मैम, उन्होंने ये स्टार्ट किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।